नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। पुराना अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने वार्ड हैं उनमें से जिस वार्ड के पार्षदों की छवि साफ सुथरे दिखी है उनमें से नंबर एक पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रमेश दास, जिनका वार्ड रामकोट वार्ड है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवी के रूप में सम्मान से नाम लिया जाता है। वह राम कुमार दास जी हैं, जो लगभग सन 81 से इस वार्ड के सभासद ग्रुप में निरंतर सेवा की। उसके उपरांत रमेश दास जी लगातार सभासद एवं इस बार पार्षद बने, जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी और कार के रूप में देखा जाए तो वार्ड का विकास रमेश दास ने ही कराया। दूसरे नंबर पर दुर्गेश पांडे आते हैं, जो एक बार सभासद रूप में वहां सेवा की और वही महिला वार्ड होने के कारण मीरा कौशल को भी एक बार उन्हें भी वहां के मतदाताओं ने एक मौका दिया, किंतु उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण आज रमेश दास को निरंतर अपना पार्षद मान रहे हैं। लोगों को मानना है कि जिस व्यक्ति पर रमेश दास हाथ रख देंगे वही इस वार्ड का पार्षद होगा। खड़े हैं जो रामकोट वार्ड पड़ता है, और हमारे सामने विजय सिंह जी हैं, जिनका अपना विजय मोबाइल सेंटर भी है और स्थानीय ही रहते हैं। तो आपका नाम विजय सिंह है जी? कितने साल से रह रहे हैं ये? आपको चुनाव देते हो, मतदान करते हैं जी? बिल्कुल। इस बार जो है पार्षद चुनाव आपका विजय वो रमेश पांडे जी थे जी, रमेश दास जी जी जी। तो रमेश दास का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा था, बढ़िया। क्या कार्य किया उन्होंने, कैसा अच्छे थे? अच्छे इसलिए थे कि कोई भी कार्य हो अगर उनके पास जाए तो तुरंत सुनवाई करते हैं जी, सुनवाई करते हैं और हो भी जाता है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्या कैसा कार्य? सफाई है, नाली सफाई भाई होती है? हाँ होती है, बराबर होती है सफाई जो है। कभी कदर चाहे ना हो, जैसे कि कर्मचारी वगैरह नहीं आ पाए तो भाई कोई बात अलग है, लेकिन होती है बराबर। अच्छा, ऐसा कुछ रहा कि तुम लोग की कुछ एक सोच रही हो कि ये काम होना चाहिए और वो ना किए हों, या कुछ यहाँ का भाव हो? नहीं, अगर हम लोग अगर कुछ चाहते हैं कि अगर हो, अगर उनके पास जाते हैं ले करके तो करवाते हैं। पानी व्यवस्थाएँ कैसी हैं? पानी व्यवस्था भी ठीक है, जो पानी हैंडपम्प लगा हुआ है, हैंडपम्प लगा हुआ है, जनरल की व्यवस्था। सफाई तो मेरे ख्याल से जो हम देख, एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि सफाई जो है ठीक, इन्होंने कहा सफाई तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे नालियों की जो गंदगी है वो यथावत बना हुआ है। और यहाँ भी हमने देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि मलबा भरा हुआ है, कचरा है। सबसे बड़ी सफाई होती है यहाँ पे, दिखाइए, यहाँ भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मलबा किस तरह से भरा हुआ है और पट्टिया लगने से सफाई नहीं हो पाती है। तो ये पार्षद जी को जो है निश्चित सोचना पड़ेगा कि क्योंकि डेंगू का जो है प्रकोप चल रहा है इस नगर में, पूरे अयोध्या में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। तो भाई जी, मैं चीज़ जानना चाहता हूँ सिंह जी, इसमें डेंगू बहुत तेज है, डेंगू प्रकोप चल रहा है जी, जी, जी। तो उसके लिए यहाँ पे नगर निगम कुछ कर रहा है? नगर निगम अभी कल भी आई थी जो है गाड़ी जो है, और यहाँ पर जो है फॉगिंग किया, दवा छिड़काव करता है। उसे मच्छर मरते हैं? मच्छर मरते तो नहीं, लेकिन भाग जाते हैं, मच्छर भागते हैं, भाग जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। तो इसका कारण है कि जो ये फॉगिंग करते हैं या जो मच्छर के द्वारा छिड़कते हैं वो खाली कोरम पूरा करते हैं, बाकी कुछ है इसमें, है ना? बात चीज़ें तो हर बार ऐसा हमेशा होता आ रहा है, हमेशा हो रहा है, हमेशा है। रमेश जी यहाँ पे लगभग 40 साल से, उनके गुरु जी राम कुमार दास जी, रमेश जी भी 40 साल से, लगभग 36 साल से यहाँ पे पार्षद की जो है और सभासद की जो है शोभा बढ़ाते रहे हैं। तो ये कहने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए कि हाँ मच्छर जो है मरते नहीं हैं, और मच्छर तो मरते नहीं है लेकिन भाग जाते हैं। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं भाई? आप कहा रहते हैं, क्या नाम है? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव, क्या बात है। तो ये बताइए, क्या आप बताइए क्या समस्या यहाँ पे है, क्या काम है? इस बार ये वार्ड आपका महिला वार्ड हो गया तो रमेश जी कैसे आप चुनाव लड़ाएंगे? रमेश जी को क्या आप शादी कराएंगे रमेश जी की, या किसी अन्य को आप चुनेंगे? चूँकि रमेश जी जो है संत आदमी है, नागा आदमी हो, तो फिलहाल नहीं लड़ सकते और महिला वार्ड होने से जिसको लड़ाएंगे सपोर्ट किया जाएगा। कौन जिस जो जिसको रमेश दास लड़ाएंगे, जिसको रमेश लड़ाएंगे, आपकी कोई जो है आपकी कोई वो नहीं है, सारी इच्छाएं जो है रमेश दास चलेगी, रमेश जिसको कह जाएंगे उसे लड़ाओगे आप। तो इतने आप क्यों उनसे प्रभावित हैं? अच्छे आदमी, आदमी अच्छे हैं, तो मौका सबको देना चाहिए, रमेश दास जी खाली रहेंगे भाई, कोई उस लायक होगा तो उसको ही मौका दिया। अच्छा, आप यहाँ एक अभी आई थी यहाँ पे, क्या नाम है उनका, माधव, क्या नाम उनका, मीरा कौशल, मीरा कौशल, वो कैसे रहे? तभी कार्यकाल तो ठीक ठाक था? नहीं ठीक था, नहीं ठीक थी, नहीं थी। कहने मतलब कि अभी तक जो भी यहाँ पे सभासद हुई थी रामपुर की महिला जो है,
मीरा कौशल, दुर्गेश पांडे भी हुए थे यहाँ पे, दुर्गेश पांडे भी हुए थे, दुर्गेश पांडे कार्यकाल के साथ था, कोई कुछ भी नहीं सही था। तो सारे जो भी अभी सभासद हुए हैं, जो महिलाएं हुई हैं, दुर्गेश पांडे हुए हैं, वो असफल रहे हैं और सफलता की शिखर पर जो है आज रमेश दास जी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और लोगों की जो है मांग है कि रमेश दास जिस पर हाथ रखेंगे उसको जो है हम विजय से दिलाएंगे। ये है रमेश की जीत, रमेश दास की क्वालिटी कि जो है चूँकि वास्तव में ईमानदार हैं और अच्छे व्यक्ति हैं जिसकी लोग हर आदमी कदर करता है। एक मैं ऐसा वार्ड में आया हूँ जहाँ रमेश दास की चर्चा ही चर्चा है। थैंक यू। मंदिर के ठीक सामने है जहाँ पे तुलाराम शास्त्री जी का स्थान है और उनकी छठी पीढ़ी समय यहाँ पे हमारे पास बैठे हैं महाराज जी, है दास जी है। तो मैं से जानना चाहता हूँ कि अयोध्या की जो उस परंपरागत सीट को 40 वर्षों से रामकुमार दास रमेश दास जी के संरक्षण में फल फूल रहा था, यहाँ की विकास उन्हीं के संरक्षण हो रहा था और आज 5 साल पार्षद कार्यकाल बीता होगा, तो उन 5 साल के कार्यकालों में उन्होंने क्या विकास किया, क्या आपने सोचा, लोगों की मंशा क्या थी, क्या नहीं हुआ और जो हुआ वो क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपका सर आप जानना चाहता हूँ कि सर आपका नाम क्या है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पार्षद यहाँ के रमेश दास जी 5 साल उन्होंने जीते, इन 5 सालों का कार्यकाल कैसे रहा उनका? उनका कार्यकाल अच्छा रहा, जो है हमारे यहाँ जो है काम वाम जो कराया, मेडिकल सप्लाई पानी नहीं रहा वो भी उन्होंने व्यवस्था कराया। अच्छा, हमारे निर्मल योजना के तहत जी जी व्यवस्था कराया, जो लाइट की व्यवस्था थी उन्होंने कराया। साफ सफाई कैसा रहा था? साफ सफाई तो ठीक था, थोड़ा सा वहाँ जो कचरा था वहाँ पे जी उसको डस्टबिन रखा हुआ था उसको हटा दिया, थोड़ा सा कचरे के लिए थोड़ा दिक्कत। सड़कों की जो साफ सफाई यहाँ पे हम देख रहे हैं और चौड़ीकरण हो रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं सर? ठीक है, चौड़ीकरण हो रहा बहुत अच्छा है, विकास जी अयोध्या का विकास होगा, रास्ते में थोड़ा सकड़ा है और मेला वाला में थोड़ा भीड़ भी ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या में चूँकि सेंटर है ये बिल्कुल बिरला मंदिर सामने भी है और समा जैसे बहुत से यात्री श्रद्धालु यहाँ आते हैं जी, रामलीला मार्ग भी गया है बगल से, यहाँ एक समस्या कुछ ऐसी है कि जो होना चाहिए सुलभ कॉम्प्लेक्स जी जी सूरत का प्लेस होना चाहिए लेकिन है नहीं जी नहीं, क्योंकि बाहर से लाखों श्रद्धालु पढ़े आते हैं जी जी, तो उनके लिए इस तरह से टॉयलेट है और शौच है तमाम चीज़ों की समस्याएं आती है, वो कहाँ पे जाएँ, तो इसके लिए एक होना चाहिए। तो आप क्या आपने कभी चर्चा किया पार्षद जी से? मैंने कभी चर्चा तो नहीं किया सुना, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यात्रियों के लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए जी। अच्छा, एक दूसरी चीज जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप अयोध्या में यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपकी योजना थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा ये होना चाहिए, कुछ आपके विचार आया यहाँ के मतदाताओं के विचार आया कि अयोध्या में ये कुछ होना चाहिए और वो उन्होंने नहीं किया? नहीं, अब राम मंदिर का विचार था तो बनी रहा है भगवान कृपा। नहीं, हम वार्ड की बात कर रहे हैं। नहीं, वार्ड की तो हमारे हिसाब में तो हमारे हिसाब सब ठीक है चल रहा है। अच्छा, सही किया। तो हमारे वेद प्रकाश दास जी चूँकि राम हमारे जो रमेश दास पार्षद हैं उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, चूँकि उनका कार्यकाल 20 सालों से चूँकि एक संत हैं वास्तव में, हनुमानगढ़ी में अगर कोई साधु है तो राम कुमार दास जी हैं और राम कुमार दास जी से एक अच्छा साधु राम कुमार दास जी का एक जो है प्रथम प्राथमिकता, और चूँकि 30-25 साल लगभग उन्होंने सभासद रहे हैं, नगर निगम सेवा किया है, उसके बाद उनके शिष्य रमेश दास जी हैं उनका भी कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। और इस समय मैं तुलाराम शास्त्री जी का जो है स्थल है और बिल्कुल रोड बेस से सटा हुआ है और बिरला मंदिर के सामने, तो मैं अब मैं आगे चलता हूँ और अन्य लोगों से बात करता हूँ कि ऐसी जो राम ये हमारा जो है वार्ड जो है ये रामकोट वार्ड कैसा वार्ड रहा, यहाँ पार्षद कैसे रहे, मैं आगे चलता हूँ। मतलब रमेश जी से इतने प्रभावित कोई समस्या ही नहीं है, है ना? तो यहाँ पे जो हम एक चीज़ सबसे देख रहे हैं कि गंदगी है, आपके नालियों में कचरा भरा हुआ है और वो तो डेली का काम है, डेली भर तो सफाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा? वो तो सफा करते हैं डेली, फिर डेली यहाँ के लोग जो दुकानदार लोग गंदा कर देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है दुकानदारों को जब तक पन्नी पर रोक नहीं लगेगा तो वो जो है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वास्तव में रमेश दास का जो एक जलवा है, जो एक उनकी पकड़ है, वो अच्छा है और निश्चित है कि रमेश दास यहाँ काम कर रहे हैं, ईमानदार पार्षद हैं। और हमारे बीच में एक भाई माता जी थी, वो शायद वो मैं देख रहा हूँ कि जो रामकोट वार्ड है सफाई भी है, सिर्फ एक समस्या है वो गंदगी है, नाली फटा हुआ है, कचरा है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे की और लोगों की क्या मंशा है, इस हमारे पार्षद जो है इनका कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है, तो वो भी देखना चाहते हैं जो रामकोट वार्ड में आता है। और हमारे बीच में तमाम लोग हैं यहाँ पे, एक हमारे गुप्ता जी हैं और आपका व्यवसाय चलता है, चक्की आटा का है, तेल का मशीन है, पुराने व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य भी हैं, जहाँ पे 40 सालों से लगभग
यहाँ पे बाबाओं का राज्य रहा, जिसमें हमारे बीच में रमेश दास जी यहाँ पे लगभग 40 साल से यहाँ पे लगातार पार्षद होते चले आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय जो है ये महिला सीट हो गई। अब इस जगह का जो है कौन यहाँ कर कमान संभालेगा, ये एक विषय बात अलग की विषय बात है। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये जो पार्षद है 5 साल इन्होंने बिताया है, वो 5 साल कार्यकाल रमेश जी कैसा था, तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ। सर आपका नाम क्या? हीरा लाल गुप्ता जी, आप यहाँ पे आपकी पिताजी को आपको की है और ये भी आप जन्म हुआ है, तो लगभग 40 साल से आप रमेश दास जी को जान रहे हैं। उमा दास जी पहले थे, रमेश दास जी भी आए, तो गुरु घराना चलता चला रहा है। और अगर अगर ये शायद महिला ना होती तो रमेश जी का कोई चेला होता तो वो यहाँ पे पार्षद होता। खैर अच्छा, तो रमेश जी का जो पार्षद कार्यकाल तो कैसा? ठीक है, पार्षद काल ठीक है, उनका संपर्क है और काम काम पड़ता तो उसे हो जाता था। ऐसी बात ये कुछ महिलाएं उनके पास नहीं जा सकती हैं कोई काम पड़े, इसलिए थोड़ा गृहस्थों को चाहिए। क्या बात कर रहे हो? तो ये बताइए कि जो 5 साल कार्यकाल उन्होंने किया, ऐसा कौन सा कार्य किया और कौन सा आप लोग चाहते जो कार्य नहीं काम सब मोहल्ले वाले लाइन हो गई है, सड़कें बन गई हैं, हैंडपम्प भी लग गया है, सब कोई कोई नहीं है। नाली सफाई होती सर? झाड़ू वाड़ू लगता है यहाँ पे? लगता है। अच्छा एक चीज़ आइए, मैं जानना चाहता हूँ कि चूंकि ये बड़ा मोहल्ला है, पानी टोला है और आपका वार्ड भी बड़ा हो गया है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि तमाम लोग यहाँ पे जैसे दुकानदार हैं या तमाम यहाँ पे और भी लोग आते हैं, उनके पास एक सोच होती है लेट्रिन बाथरूम समस्या आती है, कहाँ जाते हैं? अक्सर तो सबके घर में बन गया, जो रोड पे हैं इनके लिए समस्या है। तो क्या यहाँ शौचालय की लाइन नहीं खींची है? क्या यहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या आती है सुलभ कॉम्प्लेक्स मेन रोड पे, यहाँ पे तमाम यात्री आते हैं, तमाम ऐसे लोग आते हैं जो बाहर से आते हैं, उनका समस्या आती है। आपने कभी क्या इसका डिमांड किया? हम लल्लू सिंह से बात किए थे, कहीं हमको जमीन दिलाई है, बनवा लेते हैं, तो हम तो यहाँ हमारे पास है जमीन तो बाबा लोगों की है जी, क्योंकि जमीन है ये, आप ये शासन का काम है, प्रशासन काम है, मेरा काम आपका काम नहीं कि आप जमीन जाओ। तो लल्लू सिंह को जो है वो अलग की बात है, लेकिन हमारे पास से महापौर जो है उनसे भी इनकी इनकी नगर निगम की बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ इस लोग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो मतलब आज जो इनका कार्यकाल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? कोई हाँ कार्यकाल यही यही काम है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है, बाबाओं जमीन जाता है यहाँ पर वो उनसे लें, ठीक है। कोर्ट में हमारी एक माता जी हैं जो यहाँ पे उनका मकान मिले और इनका एक पीड़ा है, चूँकि ये पहले बताइए कि आपके पार्षद रमेश दास जी यहाँ पे पार्षद हैं, तो कैसे पार्षद थे वो? अरे अब क्या बताएं कैसे पार्षद थे, बस वही है कि खुल के बोलिए, अब खुल के क्या हटा थे, दोनों तरफ रहता है नहीं है ना? अच्छा विरोध भी नहीं लेना चाहते, विरोध भी नहीं लेना चाहते उनसे हम, बाबाओं का वर्चस्व है, नागाओं का वर्चस्व है, लोग उनसे पंगा नहीं लेंगे, सही ना सीधा बात है। तो ये भाई आपका मकान यहाँ पे कितना जा रहा है आपका? 4 मीटर जा रहा है, लेटरिन के बाद 2 लेटरिन बनी है इसमें, और दोनों लेटरिन जा रहा है, सिविल लाइन नहीं है, रोड पे सिविल लाइन नहीं है, आने वाले समय में समस्या पड़ जाएगी। समस्या है, कितना मीटर अंतर होगा? 4 मीटर। अच्छी मकान की लंबाई क्या है? लंबाई है लगभग 30 फीट में 4 फीट जा रहा है, जिसमें बच रहा है 26 फीट, और 26 फीट में जिस तरह से मकान इनका बना हुआ है, तो चूंकि कारण है कि 4 मीटर जा रहा है, इन्हीं 4 मीटर में वहाँ से जाता होगा जहाँ पर लेटरिन बना हुआ, ये सब जा रहा होगा, ये सब जा रहा जाएगा। हाँ यहाँ पर हाँ लेटरिन, दो लेटरिन, दोनों लेटरिन जा रही है, दोनों लेटरिन जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है अयोध्या का दुर्भाग्य है कि मेन रोड पर यहाँ सीवर लाइन नहीं है, जिसके कारण पूरी अयोध्या में सीवर लाइन बिछ गया, लेकिन यहाँ सीवर लाइन अभी नहीं आया है, ये भी एक समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, कैसे वो अपनी जो है उस लैट्रिन का जो है वहाँ से उसको कनेक्शन दिया जाए, कहाँ पर टैंक बनवाएं, ये समस्याएं बनी हुई हैं। अच्छा मतलब ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, जो लैट्रिन बना था वो नगर निगम द्वारा दिया गया था? नहीं नहीं, हम अपने पास से बनवाए हैं 18,000 का खर्चा करके। तो ये नगर निगम का जो और ये जो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसका लाभ इन्होंने नहीं लिया है, शौचालय लाभ नहीं लिया है और अपने स्थल बनाई है, आज दोनों लैट्रिन जा रहा है, और इनका सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि यहाँ पर सीवर लाइन न होने के कारण फिर मुझे चूंकि 18,000 रुपये खर्च किया था, आज वो 50,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तब इनकी लैट्रिन की जो है सुविधा हो पाएगी, मिल पाएगी। ऐसे में भी यहाँ की जो लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर पार्षद को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, और सिर्फ आप जीतने के बाद आप अपने प्रत्याशियों अपने मतदाताओं से न मिले, ये भी बहुत बड़े
दुर्भाग्य की बात होगा। अब मैं आगे चलता हूँ कि और मेरे पास किन किन लोगों के पास कैसी कैसी समस्याएं रही ज्यादा है। वास्तव में जमीनें जो है मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जमीन यहाँ पे है और मैं ये जमीन जो ये धर्म करता है उसके बगल जमीन जो है कि एक बंगाली की है जिसको मुरलीदास ने कब्जा कर रखा है काफ़ी सालों से और वो परिवार यहाँ पे आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लेकिन चूंकि मुरलीदास एक यहाँ के माने बाबा हैं और जिस तरह से उनका प्रभाव है उस कारण उनके पास कोई आवाज़ नहीं था। दूसरी बात सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ रहते सर आप? तो यहाँ बताइए आप रमेश दास से परिचित हैं? क्या का संबंध है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये महिला सीट जो हुई है और यहाँ पे साधु जो है निरंतर जो है 40 सालों से वोट ज्यादा है, पार्षद है यहाँ पे का वोट ज्यादा है और साधुओं का वोट ज्यादा है क्योंकि मंदिर काफी पड़ते हैं। तो उसका कारण यहाँ की जो महिलाएं जो है जिनके पास जहाँ महिलाएं अकेली हैं या तमाम समस्याएं आती हैं तो महिलाएं उनके पास अपनी समस्या को लेकर नहीं जा सकती चूंकि महिला है। और रमेश दास जी अक्सर यहाँ पे आते नहीं है कि प्रतिदिन चलो हर हफ्ते 10 दिन आज चक्कर लगाते होंगे तो क्या रमेश जी कभी कभी आते हैं यहाँ पे मिलने? कभी कभी आते हैं। 5 साल में कितनी बार आए होंगे? बहुत कम है, बहुत कम है। ये कहने मतलब है कि 5 सालों में हर पार्षद का जो है महेंद्र शुक्ला जो एक चर्चित नाम आया है जो एक युवा वर्ग है जो निर्दल रहा है और वो एक ऐसा पार्षद पूरे अयोध्या में वही एक पार्षद था जो लोगों के सुख दुख में हर जगह खड़ा होता है। लेकिन आज हमारे फील्ड में जितने भी पार्षद देखा हूँ चाहे अनुज दास हो तमाम ऐसे नाम है ये लोग कभी भी जनता से रूबरू नहीं हुए और जब आवश्यकता पड़ती है तब आते हैं। मैं यही सब सबसे बड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि आज डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था चूँकि मेन रोड है सफाई थोड़ी सी है इसमें नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ के जो है और समस्याएँ जो है सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स की जो यहाँ पे नहीं है और वो यहाँ होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास ज़मीनें हैं, नगर निगम के पास ज़मीनें हैं, जलतल है, यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना अति आवश्यक है। तो इसी बिहार में चलना चलता हूँ मैं आगे की किस और मेरा की समस्या माता जी हमारे बीच में खड़ी हूँ जब मैं कुछ जानना चाहती थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।